कब से ये चीज़ देख रहे हैं? अच्छा जी, मैंने एक बड़ा मज़ेदार सवालों का सेशन किया है. मुनीब ने रिएक्शन वो देना जो एमन देती है, और एमन तुमने वो रिएक्शन देना है जो मुनीब देता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सवाल मैं करूँगी तो मैं तुम लोगों से खुद पूछूंगी कि इस पे एमन का क्या रिएक्शन होगा, तो मुनीब तुम बताओगे, और मुनीब का क्या रिएक्शन होगा तो एमन तुम बताओ. सही है? ओके जी, पहला सवाल. रात को अमल रो रही है, ठीक है, और एमन की आँख ही नहीं खुल रही, इतनी गहरी नींद में वो सो रही है. और तो फिर अगर मैं ये देखूँ कि मुनीब भी नहीं उठ रहा, तो एमन मुनीब कैसे रिएक्ट करेगा, ये मैं तुमसे करूँगी सवाल. बच्ची चुप कर आएगा तो. है ना, ऐसा ही है. फिर मुझे सोने देगा और पीरा भी दे देगा. तो सुबह उठ के बोलेगा नहीं कि अमल रात को रो रही थी और तुम उठी भी नहीं है? एमन नहीं बोलेगा कि यार तुम बोलेगा उठी नहीं यार, लेकिन ये बताएगा कि एमन तुम सो रही थी, मैंने उसे फीडर दे दी, तो ये नहीं बोलेगा कि तुम उठी क्यों नहीं. अच्छा, सो रही थी, रिएक्शन. ओके जी, नेक्स्ट सवाल. अगर 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 जो है मुनीब खामोशी से एमन को देख ले कि वो उसका मोबाइल चेक करिए और कुछ भी नहीं, मतलब लाइक वो चेक करिए इस तरह, तो क्या रिएक्शन होगा मुनीब का? मुनीब का रिएक्शन कुछ भी नहीं. वैसे तो हम एक दूसरे का फोन नहीं चेक करते. अच्छा. ये हमारा रिलेशनशिप का एक रूल नहीं. अगर फर्ज करो ऐसा हुआ कभी, अभी तो कौन से 50 साल हुआ है, अभी तो 1.5 साल हुआ है. नहीं 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 अच्छा, हमारे 18 साल हो गए. सिर्फ मैं भी यही कहती थी, अब तो मेरा बस नहीं चलता, मुझे कोड पता चल जाए तो मैं मोबाइल चेक करूँ. मुनीब ने आके मुझे कहना, अच्छा कर लिया, देख लिया, देख लिया क्या चाहिए था. तो बड़े कूल माइंडेड इंसान. यही होता है, यही है, यही होगा. फिर वो या तो अपने पैर का थंब का इंप्रेशन लगा देगा कि तुम्हें पता ही ना चले. ऐसा नहीं, नहीं, नहीं. मैं हमारा ऐसा, हमारे बीच में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ ऐसा मसला नहीं है. शरीफ आदमी हूँ मैं. शरीफ आदमी. अच्छा, अगर अगर बार बार फोन करे और तुम मुनीब को बार बार फोन करो, ये शूटिंग पे है और ये उठा नहीं रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है, तुम्हें नहीं पता कि कहाँ है क्या है, बार बार तुम फोन करियो, वो जवाब ही नहीं दे रहा ना तुम्हें, तो फिर उसके बाद एमन का रिएक्शन क्या होगा, ये मुनीब ने बता. बहुत टेंपर लूज कर देगी अपना ये. अच्छा, क्या करेगी? एक्टिंग करके दिखाओ ना तुम एमन की. बोलेगी, यार क्या हो गया, मैं कोई पागल हूँ, मैं तुम्हें बार बार फोन कर रही हूँ? कोई बंदे को काम हो सकता है, कोई कोई बात हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी ना जो बार बार किया जा रहा है. अगर कोई नॉर्मल बात होती तो बंदा मैसेज करता है, बंदा फोन देख लेता है. मैं बोलूंगा नहीं, राज के पास, सिस्टर के पास. बोले तो नहीं, तो राज इसमें. फिर मैं बोलूंगा, अच्छा बात बता दो, 3 मिनट हो गए बोलते हुए, क्यों नहीं उठाया, बात क्या थी? तो बात ये होगी कि वो दूध ले आना. ओए होए होए होए. अच्छा, अगर दावत में निकल रहे हैं, तैयार हो गई है एमन और इसे बहुत मेहनत से मेकअप किया है, कपड़े अच्छे पहने, वो सब तैयार हो गई है, और निकलने से कोई थोड़ी सी देर पहले मुनीब बुराई कर दे एमन की, फिर फिर मुनीब का रिएक्शन क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, अब तो पहन लिए. कहेगी कोई बात नहीं, अब तो पहन लिए. मैं नहीं, मेरा जवाब ये होगा कि मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ. कोई बात नहीं, पहन लिए, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज करेगी. ओके, अगर सालन जलने की बदबू आए और एमन जो है वो फोन पे बिजी हो, तो कैसे रिएक्ट करेगा मुनीब? रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मैक्सिमम क्या होगा, चूल्हा बंद कर जाऊं, बोलो यार जलन जला दिया. वही ना भाई, इनकी शादी को 1.5 साल हुए हैं, 50 साल तो नहीं. ओके, अगर कोई अक्सर होता है कभी कभार भाई, जब 7 बर्तन होते तो खड़कते तो हैं, अगर कोई घर वाला छोटी मोटी कोई ऐसी जरा सी शिकायत कर दे मुनीब से एमन की, तो फिर एमन कैसे रिएक्ट करेगी? एमन क्लियर करेगी सिचुएशन. अच्छा, क्लियर करेगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे. हां, तुम्हें क्लियर करेगी या जिन्होंने शिकायत की उनको? पहले मुझे क्लियर करेगी, फिर मैं बोलूंगा कि जिन से मसला है पहले, फिर मैं जाके बिठा के क्लियर करा दूंगा. अच्छा, ये रिएक्शन होगा. ओके, सही है. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये, अब जाहिर है क्योंकि मैं सीनियर हूँ उन लोगों की शादी के मुकाबले में, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्लियर करने दो आपस में, बीच ही ना आदमी का. आदमी का भाई तुम खुद भुगतो, आप खुद भुगते. आपस में कभी भी जो है ना, देखें दो लोग जब एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो ना, तो हमेशा सालसी का किरदार करने के लिए एक किसी को बीच में डालना ही पड़ता है, जो न्यूट्रल बंदा. वो क्योंकि हर बंदा अपनी स्टोरी में जो है ना खुद ही रोता है. वो खुद नहीं हो, मतलब लाइक जिसके इर्द गिर्द अगर अम्मा है और बीवी है या बहन है और
बीवी है उसको खुद को नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ये जब इन चीज अभी नई नई शादी ना भाई साहब, जब थोड़ी सी पुरानी होती तो कहेगा क्या मैं काम धंधा छोड़ के मैं यही करूँ, तुम लोग के सुल जाते हैं। हमारे 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 मेरे अब्बू हैं, हमारे अब्बू हैं वो घर के बड़े हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो अब्बू बेस्ट चीज यही है कि अब्बू को होना चाहिए बीच में। हाँ वो सही बिल्कुल होता है कि अब्बा हो बीच में और मुनीब को कुछ पता नहीं होना चाहिए, तो फिर खुशहाल जिंदगी।